सो हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विकास। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे वर्क एंड एनर्जी के जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं क्लास नाइन्थ के। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये सारे फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए तो ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और बहुत ही कम दिक्कत होगी। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका वर्क। वर्क इज इक्वल टू एफ एस। F मतलब फोर्स, या आपको लिख लेना है कॉपी में, आप उसको उतार लीजिए, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं फोर्स और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। समझ में आ गया। कहीं कहीं पे आपको एफ एस कॉस थीटा भी लिखना पड़ेगा, तो दोनों ही लिख लीजिएगा, एफ एस और एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तीसरा है आपका पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है एम जी एच। एम मतलब मास, जी मतलब ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। उसके बाद एच है आपका हाइट। यहाँ पे V आपकी वेलोसिटी है, M आपका मास है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पावर। पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू W अपॉन T। W आपका वर्क है, T आपका टाइम हो गया। नेक्स्ट है आपका कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कहीं कहीं पे आप कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला भी लगाएंगे, स्पेसिफिकली जब आप जैसे बिजली बिल यूनिट यूनिट निकालते हैं ना, बिजली का बिल यूनिट, तो उसमें यूज होता है ये। तो उसमें होगा एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टी, ठीक है। याद रखना, ये एनर्जी है, ये पावर है, ये मल्टीप्लाई टाइम। नेक्स्ट है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका भी कभी कभार फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू, अच्छा ये K क्या है, K है आपका काइनेटिक एनर्जी। K और F का मतलब काइनेटिक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और KI का मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क इज इक्वल टू ये आपका वर्क हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेना फाइनल काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दूसरा भी केस आएगा जिसमें आपको सेम लिखना है, पर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख देना है, ठीक है। जहाँ पे काइनेटिक है वहाँ पोटेंशियल लिख देना है। तो ये दो फॉर्मूले हो गए आपके, ठीक है। इसको अच्छे से लिख के याद कर लेना। अच्छा, सेवन्थ देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ अपने मन से लिखा है जो कि आपको बहुत हेल्प होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, एक्सरसाइज के। क्या है ये, देखिए, आपने परपेंडिकुलर टू ईच अदर बहुत सुना होगा जब आप पढ़ रहे हो चैप्टर को, ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, ये आपने बहुत सुना होगा। क्या है आखिरी, देखिए, ये आपका जो है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और जो नीचे है आपका वो फोर्स है। मतलब नीचे से कोई फोर्स लग रहा है, मान लीजिए आपका अर्थ नीचे से फोर्स लगा रही है, और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, नीचे से फोर्स लगा रही है कोई चीज़, और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो इधर मूव कर गई। तो मतलब फोर्स यहाँ हुआ नीचे से, और ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कहाँ किया, इस साइड किया। तो यहाँ पे एक एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल। तो ऐसा कोई सा भी परपेंडिकुलर हो, समझ रहे हो, ऐसा कहीं भी परपेंडिकुलर, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ठीक है, चाहे ऐसे हो, तो परपेंडिकुलर टू अगर ईच अदर है तो वहाँ पे जो आंसर होगा, वर्क जो होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू ज़ीरो होगा वहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं, तो एक हो गया एक नीचे इस साइड परपेंडिकुलर। अगर फोर्स भी सेम डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है, तो जो आपका आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसका जो आंसर होगा वो नेगेटिव में होगा। मान लीजिए अगर 20 आंसर आए तो -20 लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे तो प्लस होगा, तो यहाँ तो कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।